तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में। तो यार, आज की जो वीडियो वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और उस वीडियो में आपको आने वाला है मजा यार। और हम इस वीडियो में कुछ अलग करने वाले हैं, और हम आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में करने वाले क्या वाले हैं। तो यार, आप सभी ने मतलब 10th क्लास में अगर जो होगा या नहीं होगा, तो यार हम आपको बता देते हैं। क्लास 10th में एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें एक मतलब वो है एक्सपेरिमेंट है, तो हम आज उसी को करने वाले हैं। हाइड्रोजन, जब मतलब हाइड्रोजन को जब हम जलाते हैं उसके बलून्स को, तो वो पॉप साउंड करते हैं। तो आज हम वही देखेंगे कि ऐसा होता है कि नहीं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और तो यार, आपको जैसा कि पता है, देखिए हमने बोतल ली है, और इससे पहले भी हमने इसी के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, मतलब हाइड्रोजन बलून जो उड़ते हैं हवा में, तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये बनाना नहीं आता तो हम उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस पर जाकर आप देख लेना। तो ये है इसका जो है, देखिए ढक्कन इसका, हम इसके ऊपर इसको लगा कर इसके अंदर, देखिए आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और सिल्वर फॉयल की खासकर ज़रूरत पड़ेगी, इसी से आप हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं। तो यार, वैसे जो 10th क्लास वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उसमें उसने और कुछ कुछ डाला, मतलब एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक ऐसा ही कुछ एसिड है, उसके अंदर उसने जिंक डाला था, तो जब उससे हाइड्रोजन गैस निकली थी, और इससे भी हाइड्रोजन गैस निकली है। मतलब मेन मुद्दा ये है, हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए हमको, तो बस ओनली वही देखना है। ठीक है, तो हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं स्टार्ट। तो ये देखिए, हमने सोप सॉल्यूशन भी बना दिया है, और इसमें हमने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी हमने इसके अंदर मिला दिया है। बारी है बस इसको डालने की इसके अंदर, और बनाते हाइड्रोजन गैस और करते हैं इसको टेस्ट। तो आपको जैसा कि पता है कि हम इस माचिस को, इस मोमबत्ती को जलाएंगे, और मतलब जो इसके अंदर से बबल्स निकलेंगे, तो हम इनको जलाएंगे तो देखेंगे पॉप साउंड आती है या नहीं। तो हम इसको डालते हैं सोलर फॉइल को इसके अंदर, और ढक्कन को लगा देते हैं। और इसके अंदर जल्द ही हाइड्रोजन गैस बनना स्टार्ट होगी। तो हम इस पाइप को इसके अंदर डाल देते हैं सोप सॉल्यूशन के अंदर। तो हमने देखिए डाल दिया इसके अंदर, और अभी देखेंगे, अभी इसके अंदर गैस बनने देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। हमने ये देखिए बंद कर दिया है। तो हम इस माचिस को, इस मोमबत्ती को जला देते हैं, और ये देखिए हमने जला दिए। अब इसको मतलब इसके अंदर अभी गैस बन रही है, और अब मतलब इसको टेस्ट कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं, देख रहे हैं साउंड कैसी आ रही है, देखिए देखिए, ये हाइड्रोजन जो गैस है उसके बलून से ही, देखिए कैसी साउंड आ रही है। और देखिए वाओ, आप देख पा रहे हैं साउंड इसको, और अभी और इसके अंदर गैस बनने देते हैं, और आपको एक और बार सुनाते हैं, और एक और बार बनाते हैं। देखिए साउंड, देखिए और आप देख पा रहे हैं कई साउंड आ रही है इनमें से, और आप वैसे करके देख लेना, वैसे किसी बलून में से ऐसी आवाज नहीं आएगी। आप देखिए यार, सच में यार साउंड में वो आ रही है, और जो एक्सपेरिमेंट पे वो हमारा वर्क कर गया है। और हम आपको देखिए, हम इसको देखिए, देखिए इसमें आग लग चुकी है। जो हाइड्रोजन गैस है ये बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल होती है, आपको जैसा कि पता है। तो गाइस, आप सभी ने जैसा कि देखा यार, हमने बनाया था वो हाइड्रोजन गैस, और यार हमने उसको सोप सॉल्यूशन के अंदर करा था, और ऊपर लगा दी थी मोमबत्ती, जो कैंडल भी बोलते हैं, और जो उसमें से बबल से निकल रहे थे उनमें से पॉप साउंड आ रही थी, आपने सुनाई दिया होगा आपको। तो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही था, और वीडियो सच में थी मजेदार। अगर वीडियो लगी हो आपको अच्छी, तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल कर देना सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।